हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2019 की टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हमने लॉन्च की है, उसके सेकंड टेस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टेस्ट का डिस्कशन आप सब लोगों ने देखा है। ये गेप इसमें इसलिए हो गया बीच में कि दीपावली की छुट्टियां आ गई थी और दीपावली की छुट्टियों के कारण ये गेप हुआ है। तो आई होप आप लोग इसके लिए माइंड नहीं करेंगे। सबसे पहले सेकंड टेस्ट में जो टॉपर रहे हैं 1304 स्टूडेंट्स के अंदर उनके रैंक, और मैं आपको नाम बता देता हूं। पहले हैं रोहित अमहेरे और ये फर्स्ट रैंक इन्होंने अचीव किया, बहुत शानदार स्कोर किया है। सत्य प्रकाश केसरी सेकेंड रैंक पे हैं, वैशाली थर्ड रैंक पे हैं, सौरभ वाजपेयी फोर्थ रैंक पे हैं और सुनील कुशवाहा फिफ्थ रैंक पे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बधाई, और आप भी चाहते हैं आपका नाम अब यहां पर आए तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि टेस्ट देना होगा, और टेस्ट को बिना पढ़े ना दें। टेस्ट को बहुत अच्छे से पहले पढ़ें, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ने के बाद टेस्ट देंगे तो आपका नाम यहां पर रहेगा। और जो लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी प्रोफाइल को वेबसाइट पर कंप्लीट कर लीजिए, अपना फोटो वगैरह अपने शहर का नाम वहां अपडेट कर दीजिए ताकि आपके रैंक के साथ आपके फोटो भी हम शेयर कर सकें। ये टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 125 कुल टेस्ट होंगे, 90 सब्जेक्टिव, 15 करंट अफेयर के टेस्ट और 20 फुल लेंथ टेस्ट। 7250 एमसीक्यूज इसमें कवर किए जाएंगे, पीडीएफ रहेगी और डेली इसमें एक टेस्ट अपडेट होगा। 31 जनवरी 2019 तक की टेस्ट सीरीज पूरी जाएगी। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ऑफर चल रहा है। 799 की टेस्ट सीरीज है, 38% अभी इसमें ऑफ चल रहा है। 495 में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मात्र अभी जो अगले 1000 स्टूडेंट होंगे उनके लिए ही 495 में अवेलेबल रहेगी। उसके बाद इसकी जो है फी बढ़ जाएगी, यानी 1300-1400 लोग करीब इसको ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत कम सीट्स अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में तैयारी कैसे करें इस टेस्ट सीरीज के साथ में और भी तैयारी कैसे करें उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है एमपीपीएससी के लिए, लिंक उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न हमारे आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश के किस स्थल से सम्राट अशोक का शिलालेख नहीं मिला है। तो ऐसे कौन सी जगह जहां से नहीं मिला, तो याद रखिए गुर्जरा दतिया से तो मिला है, रूपनाथ ये जबलपुर के अंदर है यहां से भी एक शिलालेख मिला है, सांची में तो उनके द्वारा क्या बनवाया गया है, एक पूरा स्तूप बन गया है तो वहां से तो मिला ही है, पान गुराड़िया सीहोर के अंदर यहां से भी मिला है, भरूत स्तूप सतना में भी इन्हीं के समय में बनवाया गया है और सारो मारू की गुफाएं। तो कौन सी जगह जहां से नहीं मिला, तो विदिशा और भोपाल से नहीं मिला। तो इन चीजों में हमें क्या क्या पता चल गया कि गुर्जरा से मिला, और गुर्जरा में तो इनका नाम अशोक मिलता है। ये ऐसा कुछ अभिलेखों में से राजा अशोक के जिसका नाम अशोक मिलता है गुर्जरा अभिलेख दतिया में, रूपनाथ में एक अभिलेख मिला है, पानगुराड़िया में अभिलेख इनका मिला हुआ है। तो इनकी इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न इसी टेस्ट सीरीज में है। केवल 20 प्रश्न हमने लिए हैं, ये भी याद रखिएगा, केवल 20 प्रश्न, लेकिन पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट में 50 प्रश्न है। और दूसरा है कि किस किले की दीवार पर बिहारी सतसई के दोहे उत्कीर्ण है। ठीक है, तो बिहारी सतसई के दोहे जो उत्कीर्ण किए गए हैं वो दतिया किले की दीवारों पर किए गए हैं। किसके किले की दीवारों पर, तो दतिया किले की दीवारों पर, तो याद रखिएगा आपको। ठीक है, दतिया के अंदर बना राजा बिरसिंह देव ने, ठीक है, बिरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। राजा बिरसिंह देव बुंदेलखंड के बुंदेल वंश के राजा हुए हैं, उनका उनके द्वारा इसका निर्माण 52 करीब महल और इस प्रकार की बड़ी कलाकृतियों का निर्माण किया गया था, उन्हीं में से एक ये शामिल है और इसको सतखंडा महल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहां पर बिहारी के बारे में बात बता दूं, उससे जो शाहजहां था उसके समकालीन रहे थे बिहारी, 713 इनके दोहे हैं, ये बड़े फेमस है। और राजा मानसिंह के राजा जयसिंह के ये दरबारी कवि थे, और इनका एक बिहारी ससई का एक दोहा आपने सुना होगा, दोहा के नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली गली ही सोबींद हो आगे कौन हवाल। जो राजा जयसिंह थे वो अपनी रानी के प्रेम में बहुत डूब गए थे तब उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, ग्वालियर के किले के बारे में आपको पता है, ग्वालियर का किला जो है इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि ओरछा और चंदेरी के किले के बारे में मैं आने वाले वीडियोज में आगे आपको बताऊंगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है, धर्मत का युद्ध कहां हुआ, कब हुआ था, पहली बात तो ये आपको इसमें बताना। ठीक है, धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो सन 1658 में, 1658 में हुआ था, और कहां हुआ था, उज्जैन के पास में हुआ था। अच्छा क्यों हुआ था, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुगल वंश में ये उत्तराधिकारी का युद्ध था जिसमें दारा शिकोह जो कि किसका सबसे बड़ा बेटा था, औरंगजेब का भाई था और मुगल शासक शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, उसके बीच में वर्सेस कौन था, इसमें औरंगजेब था। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था और दारा शिकोह इसमें पराजित हो गया था, धर्मत के युद्ध में उज्जैन के अंदर हुआ था 1658 में। ठीक है, तो वहां से फिर वो भागा था, फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के पास में एक और युद्ध हुआ, फाइनली वहां दारा शिकोह हार जाता है, उसकी मृत्यु उसको फिर जो है कैद कर लिया जाता है और औरंगजेब जो है वो राजा बन जाता है। तो ये इसकी पूरी कहानी है धर्मत के युद्ध की।
अगला है इत्रदार महल कहाँ है। ठीक है, इत्रदार महल बड़ा इंपॉर्टेंट महल है, रायसेन के अंदर है ये। ठीक है, कहां पर है? रायसेन के दुर्ग में। अच्छा याद रखिएगा, दुर्ग और महल में कुछ अंतर होता है। दुर्ग एक्चुअल में क्या होता है, बीच में कोई महल वगैरह बना होता है दुर्ग में, और उसके चारों तरफ से एक बड़ी सी बाउंड्री, मोटी सी बाउंड्री होती है। तो अगर मोटी बाउंड्री है उसके चारों तरफ तो वो दुर्ग है। ठीक है, सिर्फ महल है तो वो महल होता है। ठीक है, तो एक दुर्ग में कई सारे महल हो सकते हैं। तो इत्रदार महल रायसेन दुर्ग के अंदर है। ठीक है, रायसेन दुर्ग के अंदर, और इसके अंदर एक और दो तीन महल है, जैसे बादल महल है, ये भी बहुत फेमस है। उसके अलावा राजा रोहित महल है, ये भी फेमस है। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था? राजा बसंती ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? राजा बसंती ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये याद रखिएगा, इत्रदार महल कहां है। अगला है पांचवा प्रश्न है कि बुंदेला राजवंश के किस शासक ने गढ़ा के समीप, गढ़ा एक जगह का नाम है, गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो गंगा सागर जो जलाशय का निर्माण करवाया गया था वो राजा हृदय शाह ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका सही है, राजा हृदय शाह बुंदेला राजवंश के राजा थे और बुंदेलखंड के आसपास इनका जो क्षेत्र फैला हुआ था। तो गंगा सागर जलाशय हृदयनाथ के, हृदय शाह के द्वारा करवाया गया था। छठवां प्रश्न है कि बघेल राजवंश के किस वीर ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। ठीक है, तो चौसा का युद्ध आपको पता है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, पहले मैं नाम बता देता हूं उनका, यह वीर मानसिंह। ठीक है, तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में 1539, और इसमें क्या हुआ था, हुमायूं हार गया था। ठीक है, तो हुमायूं पे रात के समय उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया शेरशाह सूरी की जो सेना थी, और चौसा में फिर क्या हुआ था, वहां पर वो रात में फिर उनको भागना पड़ा था गंगा की नदी, गंगा नदी के सहारे। तो कुछ सैनिक गंगा नदी में कूद गए, तो ऐसे करके उन्होंने जो है हार गया था 1539 में। तो वीर सिंह जो थे वो उन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। सातवां, कथन और कारण। इस प्रकार के प्रश्न अभी एमपीपीएससी में पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न होते हैं, इसलिए हमने इसको टेस्ट सीरीज में रखा है। पहला है कि दसपुर एक प्रसिद्ध व्यावसायिक नगर था, क्या ये सही है? ठीक है, तो दसपुर किसको कहा जाता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। दसपुर कहा जाता है मंदसौर को। किसको कहा जाता है? दसपुर मंदसौर को। तो उस समय जो था, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन ये एक व्यावसायिक नगर था। दूसरा, क्या बंधु वर्मा यहाँ का राज्यपाल तो नहीं था? बंधु वर्मा यहाँ का राज्यपाल नहीं था, एक प्रकार का ये सेनापति सामंत था। ठीक है, ये सेनापति सामंत क्या होते हैं, ये बात चल रही है तब की जब विक्रमादित्य के आसपास, चंद्रगुप्त द्वितीय के आसपास का समय काल यहाँ पर रहा था, और बंधु वर्मा उस समय यहाँ का सेनापति सामंत था। सामंत एक्चुअल में क्या होते थे, वो एक प्रकार से वहां के राजा हुआ करते थे, राजा। ठीक है, लेकिन वो किसी और राजा, जो बड़ा राजा था उसके अधीन आते थे। ठीक है, तो बंधु वर्मा एक्चुअल में यहाँ का एक राजा प्रकार से था, ना कि एक सेनापति सामंत था। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए बात कर लेते हैं आठवें प्रश्न की, कि महारानी कमला देवी किस राजवंश की शासिका थी। ठीक है, तो महारानी कमला देवी जो थी वो गोंड वंश की शासिका थी। आपने कमलापति के बारे में सुना होगा, कमलापति महल कहां पर है, भोपाल में। एक्चुअल में इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं, गिन्नौरगढ़ एक जगह का नाम है, रायसेन जिले के अंदर है गिन्नौरगढ़। वो गिन्नौरगढ़ का किला आपने सुना होगा, ठीक है, जहां के तोते बहुत प्रसिद्ध है, वहीं की बात करें। ठीक है, ये गिन्नौरगढ़ जो था, यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, यहाँ के राजा थे उस समय निजाम शाह, गोंड राजा थे निजाम शाह। उनके भतीजे ने उनकी हत्या करवा दी, और हत्या करवाने के बाद जहर दे के मार दिया, तो उनकी विधवा रानी थी कमला देवी, और उस समय दोस्त मोहम्मद जो थे भोपाल के नवाब या भोपाल के शासक हुआ करते थे, तो उनने मदद मांगी दोस्त मोहम्मद से कमला देवी ने। ठीक है, और उनको राखी बांधी। तो ऐसा कहा जाता है कि पहली राखी थी जो किसी रानी के द्वारा किसी मुस्लिम शासक को बांधी गई थी। तो वहां पर जो तालाब बना हुआ, बड़ा तालाब, वहां पर कमला देवी कमलापति महल बनाया, जो महल था वो दोस्त मोहम्मद ने बनवाया था, और किसके लिए बनवाया था, महारानी कमला देवी के लिए बनवाया था। तो गोंड शासिका थी, इतना आपको कमलापति या कमला देवी के बारे में याद रखना है। नवा प्रश्न है कि चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर निम्न में से किस मुगल बादशाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो मेदिनी राय पर जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर के द्वारा कब किया गया था इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, 1528 में किया गया था। ठीक है, 1528 में जो खानवा का युद्ध हुआ था, उससे पहले खानवा के युद्ध के बाद में जो बचे कुचे राजपूत शासक थे उनमें थे मेदिनी राय, और मेदिनी राय पर उस समय जो किसने हमला कर दिया था, राजा बाबर ने हमला किया था, और इसमें मेदिनी राय हार गया था, और फाइनली उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, चंदेरी के अंदर, और जोहरकुंड वगैरह चंदेरी में बना हुआ है, तो वहां पर महिलाओं ने क्या किया था, जौहर किया था। जौहर क्या होता है आप सभी को पता होगा, आई होप। चलिए अब बात कर लेते हैं दसवें प्रश्न की, कि वास्तुकला संबंधी ग्रंथ है स्मरणांग सूत्र। स्मरणांग सूत्र याद रखिएगा, इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक राजा भोज है, राजा भोज परमार राजा थे। ठीक
ठीक है, परमार राजा, और भोपाल का निर्माण किया था एक्चुअल में वो राजा भोज ने किया था। उस समय राजा भोज, उस भोपाल का नाम भोजपाल हुआ करता था, ठीक है। तो राजा भोज की मूर्ति अभी बड़े तालाब में आप देख सकते हैं भोपाल के अंदर बनी हुई है। और इन्होंने लगभग 84 ग्रंथों के अलग अलग उसमें रचना की है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। उसमें से वास्तुकला या शिल्प कला से संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम है सम्राणांग सूत्र, और राजा धारा, धारा नगरी या धार के जो है वो राजा थे, राजा भोज। चलिए अब बात आती है 11वें प्रश्न की कि मृत्युंजय कर्ण की जन्म स्थली क्या है। एक्चुअल में कर्ण ये महाभारत वाले कर्ण है, ठीक है, मृत्युंजय कर्ण जिनको कहा जाता है, महाभारत और पांडवों में या कौंतेय में कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे कर्ण। उनकी जन्मस्थली एक्चुअल में कुतवार मुरैना के अंदर है, ठीक है, कुतवार मुरैना के अंदर। और वहां भी आसन नदी है वहां पर, क्यों आसन नदी में एक्चुअल में क्या हुआ था, रानी कुंती ने जब इनको जन्म दिया था और लोक भय के कारण आसन नदी में बहा दिया था, तो ये वही नदी है जिसमें इनको बहाया गया था, आसन नदी, और कोतवार वो जगह जहां इनका जन्म हुआ था, तो कोतवार मुरैना। चलिए अगला है, बारवा के 1732 में मालवा के देवास में छोटी पांती में किस वंश की स्थापना हुई थी। एक्चुअल में वहां दो पांती, छोटी पांती और बड़ी पांती, ठीक है। तो छोटी पांती में जो है जीवाजी वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है, किस वंश की, जीवाजी वंश की, जबकि बड़ी पांती में तुकोजीराव पवार वंश को आता है। तो ये हमें याद रखना है, छोटी पांती का वंश कौन सा, जीवाजी वंश है, और बड़ी पांती का वंश है तुकोजीराव पवार वंश, तो हमें इसको याद रखना है। चलिए 13वां है कि शेरशाह ने मालवा पर अधिकार कर किसे यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। तो शेरशाह सूरी जो था उसने मालवा पर अधिकार किया था, और एक्चुअल में ये मालवा पर जो अधिकार किया था 1542 में किया था, ठीक है, 1542 में। और सुजात खां जो था, सुजात खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया था। उस समय यहाँ का जो शासक था वो था कादिर शाह। कौन था, मालवा का जो समय राज्यपाल था कादिर शाह, लेकिन जब गुजरात का राजा महामराज समय जिसका राज्य मालवा पर था उस समय, तो कादिर शाह ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। फिर से उसके ऊपर जो है मोहम्मद शाह ने आक्रमण किया, और मोहम्मद शाह ने आक्रमण करते समय ग्वालियर के पूर्ण मल को भी हरा दिया, ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया, उसके बाद इसको जीता, सुजात खां को यहाँ का क्या बना दिया, सूबेदार नियुक्त किया था। तो यह हमें इसके बारे में याद रखना है। 14वां प्रश्न है कि बाज बहादुर से मालवा किस मुगल शासक ने छीना था। ठीक है, बाज बहादुर कहाँ का था, तो मांडू का था, ठीक है, मांडू याद रखिएगा, मांडू रानी रूपमती बाज बहादुर की प्रेम कथा के लिए बहुत फेमस है, और इसको छीना था अकबर ने। किसने छीना था, अकबर ने, बी ऑप्शन इसका सही है, अकबर, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1561 और 1562 में युद्ध हुआ था, पहले एक बार हार गया, डबल से आ गया था मांडू में, और फिर 1562 में फाइनली इसको मृत्यु हो गई थी बाज बहादुर की, और अकबर ने वहां पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो मांडू के बारे में रखिएगा, रानी रूपमती और बाज बहादुर के लिए फेमस है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मांडू के बारे में आपको किसी और वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। चलिए 15वां प्रश्न है कि ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था। तो ये बड़ी फेमस जगह है ताजमहल, लेकिन ये बनाया गया था मांडू के हुसैन शाह के मकबरे का प्रतिकृति के रूप में, ठीक है। आप देखिएगा ताजमहल हुसैन शाह का जो मकबरा है वो पहली संगमरमर की कब्र थी भारत के अंदर, ठीक है, तो इतना भी हमें याद रखना है, संगमरमर का पूरा बना हुआ है, और उसका जो आर्किटेक्चर है, अगर आप ताजमहल के आर्किटेक्चर को देखेंगे और हुसैन शाह के मकबरे को देखेंगे, लगभग लगभग काफी चीजें उसमें सेम है, ठीक है। तो हुसैन शाह के मकबरे मांडू के अंदर है, और उसके आधार पर बनाया गया था ताजमहल। अगला देखिए 16वां प्रश्न है कि कौन एक मोरक्को यात्री था। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जिसके लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है, ठीक है। तो किसने उल्लेख किया है, तो याद रखिएगा मोरक्को का जो था वो इब्न बतूता था, ठीक है। 1304 में इसका जन्म हुआ था, यानी कि उसी समय ये भारत में आया था, और लगभग 75,000 मील की इसने यात्रा की थी पूरे विश्व के अंदर, तो बड़ी लंबी इसकी यात्रा थी। वहीं फायान की बात करें तो फायान के बारे में तो आपको पता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या विक्रमादित्य के समय भारत में आया था, और हेनसैंग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के समय भारत में आया था, जबकि अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जिसने बार बार भारत पर आक्रमण किए थे, अलबरूनी, ठीक है। तो इब्न बतूता याद रखिएगा, इब्न बतूता, और ये मोरक्को का यात्री था, खजुराहो का इसने उल्लेख किया है अपने लेखों में। 17वां प्रश्न है कि 1119 में महमूद गजनवी ने किस स्थान पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये ग्वालियर स्टेट या ग्वालियर राज्य पर जो है आक्रमण किया था, उस समय महमूद गजनवी में सोमनाथ मंदिर को उस समय लूटा था, 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था, ये वही व्यक्ति है जो बार बार भारत पर आक्रमण करता था। 18वां प्रश्न है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है, ठीक है, जहांगीर महल जो स्थित है वो ओरछा में है, तो डी ऑप्शन सही है, ओरछा। अच्छा, किसने, जो राजा बीर सिंह देव थे, ठीक है, बीर सिंह देव,
उनने इसका निर्माण किया था, मैंने आपको बताया था दतिया के अंदर जो सतखंडा महल, उनका भी निर्माण इसी ने किया था। और ये दोस्ती की मिसाल है सलीम, ठीक है, सलीम आप सब जानते हैं जहांगीर, ठीक है, जहांगीर मुगल बादशाह सलीम जो बाद में बादशाह बना, उनके बीच में और वीर सिंह देव के बीच में दोस्ती थी और उन्हीं के लिए इनका जो निर्माण करवाया गया था राजा वीर सिंह देव ने, और जहांगीर महल ओरछा के अंदर ये स्थित है। 19वां प्रश्न है कि भोपाल राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बड़ी लंबी कहानी है भोपाल राज्य की स्थापना की। एक्चुअल में भोपाल नगर की स्थापना अगर आपसे पूछे तो भोपाल नगर की स्थापना तो आप सभी को पता है किसने की थी, तो राजा भोज ने की थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, राजा भोज की मृत्यु के बाद वो जंगल सा पूरा जगह बन गई, फाइनली दोस्त मोहम्मद खान जो था, ठीक है, जिसने कमलापति महल बनाया था जिसकी मैंने आपको जानकारी पहले दी है, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल राज्य की नींव डाली थी, ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान, और ये अफगानिस्तान का बंदा था, ठीक है, अफगानिस्तान का था। इसकी कहानी थोड़ा सा आप नेट पर सर्च करके पढ़िएगा, एकदम क्रूर स्वभाव, क्रूर कहा जा सकता है या अक्खड़ स्वभाव जिसे कहा जा सकता है, और अकेला अफगानिस्तान से आया था और अकेले फिर मुगल सेना में भर्ती हुआ, उसके बाद वहां अच्छा काम किया, धीरे 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 फाइनली बढ़के इसने दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल राज्य की स्थापना की थी और कमलापति ने इसको राखी बांधी थी और उसने फिर रक्षा भी की थी, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न है कि किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, तो मंदसौर किले का जो निर्माण करवाया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है। मेवाड़ विजय के लिए जब निकला था अलाउद्दीन खिलजी तो उस समय मंदसौर के अंदर, ठीक है, जिसको पुराना दसपुर जिसका नाम है, तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो ये हमें इसके बारे में याद रखना। वही सूर्य सेन की बात करें तो ग्वालियर किले का निर्माण इन्होंने करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उन्होंने धार किले का निर्माण कराया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जहांगीर के बारे में तो आपको बता ही दिया, जहांगीर महल है ओरछा के अंदर जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। आज की बात हम करेंगे यही समाप्त, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।